हाय एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन। वेलकम टू एजु मंत्रा। और आज हम एजु मंत्रा में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, योर 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, और उसका सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में एंटर करने के पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं, इस चैप्टर का नेल्सन मंडेला का बैकग्राउंड जानते हैं, जिससे कि हम इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो द स्टोरी स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ नेल्सन होलिशाशा मंडेला। नेल्सन होलिशाशा मंडेला का बर्थ हुआ था 18th जुलाई 1918 में। जब नेल्सन मंडेला छोटे थे तो उनके फादर एक काउंसलर की तरह वर्क करते थे। काउंसलर, वो भी ट्राइबल चीफ जो है उनके काउंसलर थे वो। और एक दिन एक उनका डिस्प्यूट हो जाता है, वो भी स्टेट मैजिस्ट्रेट से उनका डिस्प्यूट हो जाता है, और इस झगड़े में उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ती है। नौकरी के साथ साथ उन्हें जगह भी छोड़कर जाना पड़ता है। वो लोग एक नए जगह की तरफ जाते हैं जिसका नाम था कुनू। प्रोनाउंस करना थोड़ा अजीब सा है, कुनू। ये आज आपका होमवर्क रहेगा, प्रोनाउंस इट एज कुनू। तो इस जगह पे वो लोग जाते हैं और ये जगह वैली से घिरा हुआ था, और ये लोग अपने खाने से लेकर पानी से लेकर हर एक चीज़ के लिए नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और इसी समय पे नेल्सन मंडेला को स्कूल भेजा जाता है। वो जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो नाम है वो नेल्सन पड़ता है, क्योंकि उनके जो टीचर है वो एक क्रिश्चियन नेम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। वहाँ का कस्टम यही था कि स्कूल में जब भी बच्चे जाते हैं तो उन्हें ब्रिटिश कस्टम के हिसाब से एक क्रिश्चियन नेम प्रोवाइड किया जाता है, और वैसे ही इनका नाम पड़ा नेल्सन होलिशाशा मंडेला, नहीं तो उनका नाम था होलिशाशा मंडेला। तो यहाँ पे नेल्सन होलिशाशा मंडेला अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। 12 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला के लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है। उनके फादर की लंग डिजीज से डेथ हो जाती है। इसके बाद वहीं पे एक चीफ थे जिनका नाम था जोंग इंतबा, वो नेल्सन मंडेला को एडॉप्ट कर लेते हैं। एडॉप्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि नेल्सन मंडेला के फादर ने ही जोंग इंतबा को चीफ बनाया था। उन्हीं के सजेशन के कारण जोंग इंतबा चीफ बने थे। और यहाँ पे नए जगह पे नेल्सन मंडेला की पढ़ाई वापस से रिज्यूम होती है। स्कूलिंग के बाद नेल्सन मंडेला डिग्री के लिए एनरोल करते हैं यूनिवर्सिटी में। और जब वो डिग्री के लिए पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के बाद वो टीचिंग भी चालू करते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं। और ट्यूशन्स में वो इंग्लिश, खोसा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स लेते हैं। और जब वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उनका इंटरेस्ट अफ्रीका के हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जान पाते हैं कि अफ्रीका की कंडीशन कितनी अच्छी थी, और वाइट्स के आने के बाद जो सप्रेशन आता है और उससे जो ब्लैक्स की कंडीशन होती है, वो सारी चीज़ें वो समझ पाते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते रहते हैं। उसी समय पे जो चीफ है, चीफ नेल्सन मंडेला की शादी फिक्स कर देते हैं, और ये चीज़ से डर कर नेल्सन मंडेला वो जगह से भाग जाते हैं। वो जॉन्सबर्ग नाम के जगह में जाकर रहना चालू कर देते हैं। जॉन्सबर्ग में वो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि माइंस में सिक्योरिटी का भी जॉब करते हैं। ऐसे ही वो अपना अलग अलग काम करते हुए अपनी स्टडीज़ को भी पूरा करते हैं। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो लॉ के लिए अप्लाई करते हैं, और इसी टाइम पे 1942 में वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और वहाँ से 20 साल तक बहुत सारे नॉन वायलेंट मेथड से वो वाइट्स का ऑपोजिशन करते रहते हैं। नॉन वायलेंट मूवमेंट सच एज बॉयकॉट, स्ट्राइक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इन सारे चीज़ों से वो बहुत सारे जो पॉलिसीज़ होते हैं वाइट्स के पॉलिसीज़, उन सारे पॉलिसीज़ के अगेंस्ट खड़े होकर बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें अपोज करते हैं। बट ज़्यादा सक्सेस उन्हें नहीं मिला। बहुत साल ऐसे ही नॉन वायलेंट मेथड यूज़ करने के बाद 1960 में एक इंसिडेंट हुआ।
शार्पविल नाम के जगह पे जो कि जॉन्सबर्ग के पास में है, वहाँ लोग सब एक साथ, बहुत सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा होके नॉन वायलेंट तरीके से अपोज कर रही थी, और ऐसे में जो पुलिस है, पुलिस फायरिंग चालू कर देती है और 69 बेगुनाह लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। इसके बाद नेल्सन मंडेला को समझ में आ जाता है कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। देन ही डिसाइड्स दैट नाउ ही हैज टू गो फॉर आर्म्ड प्रोटेस्ट। वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और उसके बाद बहुत समय तक अंडरग्राउंड रहते हुए ही वो बहुत सारे जो मेन इनके स्टेट थे वहां पे सैबोटेज करना चालू करते हैं, और 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो 27 ईयर्स जेल में बिताते हैं। जेल के अंदर भी उनका स्ट्रगल बहुत हार्ड था। जो वहां पे पुलिस थे वो लोग उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते थे। इस स्ट्रगल को वो फेस करते रहे और बाहर उनकी वाइफ विनी एक बहुत स्ट्रांग लीडर की तरह बाहर आई। उन्होंने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया और 27 ईयर्स अपने हस्बैंड के लिए वो लड़ती रही। और 1990 में आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला को रिलीज किया जाता है, और रिलीज भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और वो नेल्सन मंडेला के रिलीज के लिए डिमांड करती है। इवन इंटरनेशनल प्रेशर्स भी, डी क्लर्क जो कि उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, उनको फोर्स करते हैं कि नेल्सन मंडेला को छोड़ा जाए। और नेल्सन मंडेला बाहर निकलने के बाद भी 4 साल तक रेगुलरली वर्क करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि उन्हें सारी चीज़ें अपोज करना चाहिए। 1994 में अफ्रीकन्स सभी लोग को वोट करने का अधिकार मिलता है और वो अपना सबसे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, दैट इज नेल्सन होलिशाशा मंडेला। और यहीं से अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो अब लेट अस गेट इनटू द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। स्टार्ट होता है 10 मई के डिस्क्रिप्शन से। 10 मई 1994, ये वो दिन था जब नेल्सन मंडेला जी ओथ लेने वाले थे। अफ्रीका फ्री हो चुका था और एक नया इनॉग्रेशन था, एक नया अफ्रीका चालू होने का जो कि फ्री था और अपने हर बैरियर से फ्री हो चुका था। ये बताया जाता है कि 10 मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, दैट मीन्स 10 मई का जो बिगनिंग था, जो शुरुआत था, वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर था, और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज आए हुए थे नेल्सन मंडेला जी को अपना रिस्पेक्ट देने के लिए। इनॉग्रेशन के पहले ही आ चुके थे वो लोग, और अफ्रीका के सॉइल में ऐसा पहली बार होने वाला था कि इतने लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी जहाँ पे बहुत सारे डिग्निटरीज एक साथ अफ्रीकन सॉइल में पहुंच चुके थे। ये जो इनॉग्रेशन है ये एक एम्फी थिएटर में हो रहा था। एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें छत ना हो, और इस एम्फी थिएटर को सैंडस्टोन से बनाया हुआ था। ये एम्फी थिएटर प्रेथोरिया नाम के एक जगह पे था। इस एम्फी थिएटर में पहले डेकेड्स मतलब दशकों से वाइट्स बैठते थे, और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि इट वॉज अ रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग मीन्स ऑल द कलर्ड पीपल वेर देयर, ब्लैक्स वाइट्स ऑल द नेशन, एवरी वन वॉज ओवर देयर, सो इट वॉज अ रेनबो गैदरिंग। एंड दीज पीपल, ये जो लोग हैं, ये लोग क्यों आए थे यहाँ पे? अफ्रीका का सबसे पहला जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको देखने के लिए, जो नॉन रेशियल सेटअप है उसको देखने के लिए, उसके इनॉग्रेशन को विटनेस करने के लिए ये लोग सब आए थे। मंडेला जी ये बताते हैं कि वो दिन जो कि एक खूबसूरत सा ऑटम का दिन था, उस दिन वो अपनी बेटी जेनानी के साथ इनॉग्रेशन में आए थे, और इस इनॉग्रेशन में सबसे पहले FW डी क्लर्क अपना ओथ लेते हैं एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट।
इसके जस्ट बाद थाबो अम्बेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में अपना ओथ लेते हैं। फिर आती है नेल्सन मंडेला जी की बारी और वो आकर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करने का प्लेज लेते हैं और कहते हैं कि वो अपने इन लोगों के लिए, सभी जनरल लोगों के लिए, वो उनके वेलबीइंग के लिए वो काम करने वाले हैं। फिर वो पूरे क्राउड के लिए एक स्पीच देते हैं। वो अपनी स्पीच में कहते हैं कि आज हम अपनी उपस्थिति से ये जो नया न्यू बॉर्न फ्रीडम है, इस फ्रीडम को एक उम्मीद और ग्लोरी प्रोवाइड करते हैं। हमने लंबे समय तक एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर महसूस किया है और इस एक्सपीरियंस से, और ये जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से हमें अब एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिससे कि हर इंसान को गर्व महसूस हो। अब तक हम आउटलॉस थे। आउटलॉस का मतलब क्या होता है? बैन करना या तो इलीगल कर देना। यहाँ पे साउथ अफ्रीका को लगभग बैन किया हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपथेड का सिस्टम चल रहा था। व्हाट इज अपथेड? अपथेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आप लोग जानते होंगे कि ब्लैक्स को और वाइट्स को अलग अलग ट्रीट किया जाता था। वाइट को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे, तो वो अपथेड सिस्टम है। और ये अपथेड सिस्टम के कारण जो भी दूसरे नेशंस थे वो साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड रिलेशन मेंटेन करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। और इसी के कारण ये यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि अब तक हम आउटलॉस थे, अब तक हमारे पास नेशन आना पसंद नहीं करते थे, बट अब हमें एक स्पेशल ऑनर मिला है कि सारे कंट्री, सारे नेशंस हमारे पास आए हैं और हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं। फिर नेल्सन मंडेला जी सबको थैंक्स भी बोलते हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग, हमारे पास आने के लिए और हमारे साथ बैठकर इस चीज़ को महसूस करने के लिए, क्योंकि ये जो फ्रीडम है, जो हमें फ्रीडम मिला है, ये हमारा फ्रीडम सिर्फ नहीं है, ये साउथ अफ्रीकन्स का फ्रीडम नहीं है, ये एक कॉमन फ्रीडम है। कॉमन फ्रीडम बिकॉज इसमें जस्टिस मिला है, इसमें पीस की जीत हुई है, जस्टिस की जीत हुई है और ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई है, तो इसीलिए इट्स अ कॉमन विक्ट्री। एट लास्ट हमने हमारे पॉलिटिकल एमेंसिपेशन हासिल कर लिया है। एमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। हमारे जो भी पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन थे उससे हमने फ्रीडम हासिल कर लिया है, बट अब हम प्लेज करते हैं कि अब हम और भी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री में, जैसे भुखमरी, जैसे डिप्रिवेशन, आपका सफरिंग, जेंडर एंड अदर इनइक्वालिटीज, ये सारे चीज से अब हम लड़ने वाले हैं और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे इस सरजमी पर अब एक इंसान दूसरे इंसान को ऑप्रेस नहीं करेगा। ये जो सूरज है, ये कभी भी, ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट जो हमने हासिल किया है, इसके ऊपर से कभी भी सूरज नहीं ढलेगा। लेट फ्रीडम रेन, मतलब फ्रीडम को राज्य करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। इस स्पीच के कुछ ही समय बाद सब लोग ऊपर की तरफ देखना चालू करते हैं और ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स कुछ पैटर्न बना के एक डिस्प्ले क्रिएट करते हैं और वो बहुत खूबसूरत सा सीन था। इस सीन को देखकर मंडेला जी ये कहते हैं कि इट वाज नॉट जस्ट शोइंग पिन पॉइंट प्रेसिशन, मतलब सिर्फ परफेक्ट मूवमेंट नहीं दिखा रहा था, बट ये जो है, ये मिलिट्री ट्रूप, ये नए गवर्नमेंट की तरफ लॉयलिटी भी दिखा रहा था। और वो ये भी बताते हैं कि कुछ डिफेंस वाले लोग और पुलिस वाले लोग आते हैं और उनके चेस्ट में रिबन्स और मेडल्स लगे रहते हैं और ये लोग आकर नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट करते हैं और अपनी लॉयलिटी का प्लेज करते हैं, गवर्नमेंट के प्रति लॉयलिटी का प्लेज करते हैं। और नेल्सन मंडेला जी याद करते हैं कि अगर कुछ ही साल पहले की बात होती तो यही लोग उन्हें गिरफ्तार करते, ना कि सल्यूट करते। इतने में कुछ इम्पाला जेट्स का नाम है, इम्पाला जेट्स शेवरॉन में
मूव करना चालू करते हैं, शेवरॉन में मतलब वी शेप में ऊपर की तरफ मूव करना चालू करते हैं, और ये कुछ अलग अलग कलर के स्मोक छोड़ते हैं अपने जेट से, जैसे कि ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन और गोल्डन कलर के स्मोक छोड़ते हैं, और ये साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्लैग को सिग्निफाई करते हैं। वो दिन नेल्सन मंडेला जी के लिए सिंबॉलिक हो चुका था। सिंबॉलिक क्यों हुआ था? क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम एक साथ गाए जा रहे थे। जो वाइट्स थे वो निकोसी सेकलेल ई अफ्रीका गा रहे थे, और जो ब्लैक्स थे वो लोग डाइस्टेम गा रहे थे। डाइस्टेम पुराना नेशनल एंथम था और निकोसी सेकलेल ई अफ्रीका नया नेशनल एंथम था। बट नेल्सन मंडेला जी ये बताते हैं कि दोनों ग्रुप को लिरिक्स नहीं पता था और आड़ा टेढ़ा गा रहे थे, बट अब तक इन लोगों को नेशनल एंथम का बहुत लो ओपिनियन था, मतलब वो लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, पर अब से वो लोग इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि एक नया अफ्रीका बिल्डअप हो गया है, तो अब वो लोग लिरिक्स को सीखेंगे और फ्यूचर में उन लोगों को लिरिक्स पता होगा, ऐसा वो बोलते हैं। इनॉग्रेशन के एक दिन पहले नेल्सन मंडेला जी कुछ थॉट में डूब जाते हैं, और वो थॉट था हिस्ट्री के बारे में। वो सोचते हैं कि जो पहला डेकेड था 20th सेंचुरी का, दैट मींस 1901 से लेकर 1910 तक, इस टाइम पे एंग्लो बोर वॉर के जस्ट बाद ये लोग एक दूसरे से ही लड़ाई में परेशान थे, और इन लोगों ने अपने जो लड़ाई और अपने जो डिस्क्रिमिनेशंस थे उसको ख़त्म कर दिया था, एक दूसरे से लड़ना ख़त्म कर दिया था, और उन्होंने रेशियल डोमिनेशन चालू कर दिया था ब्लैक्स के ऊपर। तो ये जो टाइम पीरियड था ये सबसे हार्शेस्ट टाइम था, सबसे इनह्यूमेन टाइम था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, तो वो उनको याद करते हैं पहले तो। और जब 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड आया, दैट मींस 1991 से लेकर 2000 तक, ये लास्ट डेकेड में वो जो नेगेटिव जो कि उन्होंने 20th सेंचुरी के पहले डेकेड में चालू किया था, वो नेगेटिविटी को ओवरटर्न कर दिया गया था और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अब वो लोग बिल्कुल फ्री जी सकते थे, अपने अपने सारे राइट्स के साथ जी सकते थे। वो ये कहते हैं कि ये जो आज का दिन है, ये जो फ्रीडम का दिन है, ये हजारों लोगों के सैक्रिफाइसेस के साथ आया था, अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के साथ, मतलब अकल्पनीय बलिदानों के साथ आया था, और ये जो सैक्रिफाइस है, ये जो करेज है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता और ना ही इसे पे किया जा सकता है, मतलब इसे चुकाया भी नहीं जा सकता। और नेल्सन मंडेला ये भी सोचते हैं कि वो इन सारे नोबल लोग जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, उन सारे लोगों का सम नेल्सन मंडेला है, और वो कहते हैं कि एक ये जो नोबल लाइन था लोगों का, जो लोग मर गए, ये जो नोबल लाइन था ये मुझ पे आके ख़त्म हो गया, अब मुझ पे आकर ख़त्म होने के बाद मुझी से एक नया जेनरेशन चालू होगा, जो कि नोबल लोगों का जेनरेशन चालू होगा, जिनको इतना सैक्रिफाइस नहीं देना पड़ेगा जो पुराने लोगों ने दिया और उन्होंने बलिदान देकर अपनी जान तक कुर्बान की। नेल्सन मंडेला उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा महसूस होता है कि मैं उन लोगों को थैंक तक नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस दिए थे, और वो लोग अपने सैक्रिफाइसेस के कारण जो अचीवमेंट हासिल हुई है, इस अचीवमेंट को वो देख भी नहीं सकते। ये जो अपर्थेट का सिस्टम था, इस सिस्टम ने कंट्री के और कंट्री के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा घाव छोड़ा था, वूंड छोड़ा था, और ये जो वूंड है, ये वूंड को अब सूखने में आने वाले कई साल लग जाएंगे, शायद से कई जेनरेशंस, पर ये जो हाई ऑपरेशन था, ये जो इनह्यूमेन ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन के कारण एक चीज़ पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर बने, बहुत सारे लोगों ने अपने कैरेक्टर को, अपने अंदर के डर को हटाया और ब्रेव कैरेक्टर्स बने, जैसे कि ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुली,
चीफ लितुली, रॉबर्ट सुबुक्वे, यूसुफ दद्दू, ब्राम फिशर, ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपने आप में उन कैरेक्टर को इन्वॉल्व करने की कोशिश की और बहुत सारे लोग उन्हीं की तरह बने, इन लीडर्स की तरह बहुत सारे लोग बने। नेल्सन मंडेला जी ये कहते हैं कि शायद कभी कभी इतना ऑपरेशन चाहिए होता है कि एक स्ट्रांग कैरेक्टर बनाने के लिए इतना ऑपरेशन कभी कभी चाहिए होता है। वो कहते हैं मेरे कंट्री में बहुत सारा मिनरल और बहुत सारा जेम्स है, बट मेरे कंट्री का सबसे बड़ा वेल्थ इसके लोग हैं, जो कि एक फाइन डायमंड से भी कई ज़्यादा अच्छे हैं। फिर नेल्सन मंडेला जी ये कहते हैं कि उन्होंने ये जो कॉमरेड्स थे, जो इनके साथ थे, इन कॉमरेड्स से बहुत सारी चीज़ें सीखी। उन्होंने करेज सीखा, ये जो करेज है, ये करेज के बारे में उन्होंने लोगों की तरफ देखा और लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखा। बहुत सारे मेन और विमेन एक आइडिया के लिए अपनी जान दे देते हैं, ये भी उन्होंने देखा। उन्होंने ये भी देखा कि लोग बहुत ब्रूटल टॉर्चर को कैसे सह लेते हैं और बिना टूटे उस चीज़ को मजबूती से कैसे हैंडल करते हैं। उन्होंने ये भी सीखा कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, पर डर के ऊपर जीत हासिल करने को करेज कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जो पैदा होता है, पैदा होते से ही नफरत करना नहीं सीखता, उसे नफरत करना सीखना पड़ता है। और अगर इंसान नफरत करना सीख सकता है तो प्यार करना भी सीख सकता है। और प्यार करना सीखना बहुत आसान है, क्योंकि प्यार बहुत नेचुरली एक इंसान के अंदर आ जाता है, तो प्यार करना सीखना बहुत आसान है। जब वो जेल में थे, प्रिजन में थे, तब भी उन्होंने ह्यूमैनिटी देखी। एक गार्ड था जिसके मन में एक हल्का सा ग्लिमर मैंने ह्यूमैनिटी का देखा, और वो हल्का सा ग्लिमर काफ़ी था ये बताने के लिए कि चाहे ही हम लोग नेगेटिव दिखाते हैं, बट अंदर कहीं ना तो कहीं अच्छाई छुपी रहती है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि गुडनेस एक आग की तरह है, जिसे छुपाया ज़रूर जा सकता है, बट उसे बुझाया नहीं जा सकता। वो अंदर ही अंदर कहीं ना तो कहीं गुडनेस हर इंसान के मन में होता है और वो दिख ही जाता है। वो इंसानों के कर्तव्यों के बारे में, ऑब्लिगेशंस के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। पहला एक कर्तव्य अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ होता है, और एक कर्तव्य उसका उसके लोगों के साथ होता है, उसके कम्युनिटी के साथ होता है और उसके कंट्री के साथ होता है। ये दोनों ऑब्लिगेशन बहुत नेचुरल तरीके से, आराम से कोई भी इंसान निभा सकता है अगर वो एक सिविल या तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाली एक ह्यूमन सोसाइटी में रह रहा है तो। बट अगर वो साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में, जहाँ पे एपार्टहाइड था, ऐसे कंट्री में अगर वो पैदा होता है तो ये ट्विन ऑब्लिगेशंस को निभा पाना आसान नहीं था। ऐसे लोग जो कि कोशिश करते थे कि ये ट्विन ऑब्लिगेशंस को निभा दे, इन दोनों कर्तव्यों को निभा दे, ऐसे जो भी कोशिश करते थे उन्हें अपने कम्युनिटी से अलग ले जाया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था, उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया जाता था। शुरुआत में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपने फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने लोगों को दूंगा, पर जब मैं अपने लोगों की मदद करने लगा तो मुझे ये समझ में आया कि मैं अपना कर्तव्य एक बेटे की तरह नहीं निभा पा रहा था, एक हस्बैंड की तरह नहीं निभा पा रहा था, और एक फादर की तरह मैं अपना जो कर्तव्य है उसको नहीं निभा पा रहा था। जब मैं पैदा हुआ था तब मुझे फ्रीडम की कोई चाह नहीं थी, क्योंकि मैं फ्री ही पैदा हुआ था, मैं कहीं पे भी जा सकता था,
मैं फील्ड्स में घूम सकता था, मैं अपनी मम्मा के हट के सामने खेल सकता था, मैं नदियों में जाके तैर सकता था, मैं तारों के नीचे बैठ के खाना प्रिपेयर कर सकता था, और मैं स्लो मूविंग बुल्स के ऊपर बैठ के कहीं पे भी जा सकता था। जब तक मैं अपने फादर के लॉस को अबाइड करता हूँ या तो पालन करता हूँ उनके लॉस का, और जब तक मैं अपने ट्राइब के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा था, तब तक मैं फ्री था। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, ना मुझे भगवान के लॉ का डर था, ना मुझे ह्यूमन के लॉ का डर था। जब नेल्सन मंडेला जी यंग हुए, तब उन्हें ये समझ में आया कि जो बचपन की जो उनकी फ्रीडम थी वो बस एक भ्रम था, बस एक इल्यूजन था। वो जब यंग हुए, जब वो पढ़ रहे थे, वो स्टूडेंट थे, तब वो फ्रीडम के पीछे भागना चालू किया उन्होंने। वो फ्रीडम का हंगर उनके अंदर, भूख उनके अंदर पैदा हुआ। जब वो स्टूडेंट थे तो वो बाहर रहकर पढ़ने की फ्रीडम चाहते थे। जब वो और थोड़े बड़े हुए, जब वो जॉन्सबर्ग में गए, तब वो फ्रीडम चाहते थे कि जितनी उनकी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से उन्हें मिल पाए, उनकी अचीवमेंट उन्हें मिल पाए, जितना वो कमा सकते थे उतना वो कमा पाए। वो शादी करना चाहते थे, वो शादी कर पाए, अपनी फैमिली के साथ रह पाए, जो भी लॉफुल तरीके से वो रहना चाहते थे, जीना चाहते थे, उस तरीके से वो जी पाए। और धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि वो एकमात्र एक ऐसे इंसान नहीं थे जो फ्री नहीं थे। उनके ब्रदर्स, उनके सिस्टर्स और उनकी जितनी भी कम्युनिटी में लोग थे, वो लोग सब फ्री नहीं थे। वो लोग सब कहीं ना तो कहीं सफर कर रहे थे, और इसी समय उन्होंने डिसाइड किया कि वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। वो सभी लोगों के दुख को और दर्द को अपने दुख और दर्द से कहीं ज्यादा ऊपर आंकने लगते हैं, और यही डिजायर जो उनके मन में था, उनके लोगों का फ्रीडम, इसी डिजायर ने उनकी जिंदगी को एनिमेटेड कर दिया था। एनिमेटेड मतलब स्पिरिटेड कर दिया था। और इसी डिजायर के कारण ये जो एक इंसान जो कि डरा हुआ था, वो डरा हुआ इंसान बोल्ड इंसान बन गया। एक ऐसा इंसान जो कि लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी था, मतलब कि लॉ को फॉलो करने वाला एक वकील था, वो इंसान एक क्रिमिनल बन चुका था। वो इंसान जो कि फैमिली को प्यार करता था, वो इंसान अब फैमिली के साथ ही नहीं रहता था। और वो इंसान जो कि जिंदगी से प्यार करता था, वही इंसान अब एक साधु की जिंदगी जीने लगा था। वो ये बताते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही थे। वो कोई ज्यादा वर्चुअस मतलब कि राइटियस या तो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इंसान नहीं थे। उन्हें थोड़ी ज्यादा फ्रीडम मिली हुई थी बाकी लोगों से, पर फिर भी वो बताते हैं कि उस थोड़े से ज़्यादा फ्रीडम को भी वो इन्जॉय नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका ये सोचना था कि अगर एक इंसान को बंदी बनाया गया हुआ है, वो बिल्कुल ऐसा है कि उनके पूरे लोगों को बंदी बनाया गया हुआ है, और पूरे लोगों को बंदी बनाया मतलब उनको खुद को बंदी बनाया हुआ है, ऐसा वो महसूस करते थे। तो इसलिए वो छोटे छोटे फ्रीडम को भी इन्जॉय नहीं कर पाते थे। और आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं कि जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड हैं, इन दोनों को फ्री करना है, इन दोनों को फ्री छोड़ना पड़ेगा। ऑप्रेस्ड वो इंसान जो कि अत्याचार सह रहा है, और ऑप्रेसर वो इंसान जो कि अत्याचारी है। जो अत्याचारी है वो हेट्रेड का गुलाम बन जाता है, तो इसलिए उसे भी फ्री करना जरूरी है। और जो अत्याचार सह रहा है, उसे तो अत्याचार से ही वो परेशान है, तो उसे फ्री करना जरूरी है। तो इन दोनों को जब एक तरह से फ्री करेंगे, तब भी इंसान इंसानियत के बारे में सीख पाए। द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फॉरगिवनेस। Can you imagine Nelson Mandela, the person who suffered brutally?
he saw many a comrades of his suffering brutally. Many people dying in front of him. He was kept in jail several times, and when he was inside the jail, he suffered like anything. His family life struggled, his life as a father struggled, his life as a husband struggled, his life as a son struggled. And after such a huge amount of oppression, 27 years of imprisonment, he comes back and he says that never, never and never again in this beautiful land will one oppress the another. Can you imagine? जब इस इंसान का ऑपरेशन का समय आया, जब इसे पावर मिला, जिन लोगों ने इसे ऑपरेस किया हुआ था, उस इंसान को अब ऑपरेस करने का जब समय आया, तो वो इंसान बोलता है कि अब इस धरती में कोई किसी को भी ऑपरेस नहीं करेगा. The biggest quality is the quality to forgive. Let us learn from Nelson Mandela. The second reflection is about fear. As Nelson Mandela rightly said, that it's not about not having fear. It's about diminishing the fears which we have. Being a human being, we will be frightened. Think, suppose if a lion is running behind you, you will be frightened. You will be having that fear of losing your life. But the thing is that how you approach towards all the situation. The thing is how you react to all the situation. Understand your responsibility. Understand the correctness of what you are doing. And it's about overcoming those fears. It's about standing firm to your decisions and eradicating all the things which makes you frightened. First and the foremost thing which you should do is keep on writing down your fears. Once you jot down your fears, try to eliminate it. Try to make it diminished from your life. And that is the golden rule which Nelson Mandela gives us. The third reflection is optimism. We saw that Nelson Mandela says that after all the oppressions we have seen, we have to build up a new community, we have to build up a new society which is more humane. And the world should be proud of this society. The second thing which we saw was, he said that during all these oppressions, there was a character building. People saw these leaders such as Oliver Tambo, Bram Fischer's, all the leaders, they saw all these leaders, and they also, these fearful people, became fearless. So this was a character building time. These oppressions made people more stronger. This shows that he was optimistic under utmost oppression and negativities. The fourth reflection is about responsibilities. He very well knew his responsibilities. He speaks about twin obligations. He knows that he is responsible to his family, his close ones, as well as the other people. But there are situations when the surrounding is not supporting whatever you want. So, aise situation mein jab environment हमें support नहीं करती है, जब surrounding हमें support नहीं करती है कि हम हमारे responsibilities को fulfill कर सके, ऐसे situation में हमें surrounding अपने आप बनाना पड़ेगा. हमें surrounding ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि हम हमारी responsibilities को अभी take care कर सके. The fifth reflection is about humanity. Nelson Mandela at the last says that the oppressor and the oppressed both have to be liberated. जब तक हम hatred को अपने दिल से नहीं निकालेंगे, हम freedom नहीं पाने वाले हैं. और जब तक हम freedom नहीं पाएंगे, हम इस दुनिया को एक better place नहीं बना पाएंगे to live in. So let us take out all the hatred from our heart and love each other.
सो वील मीट इन द नेक्स्ट।